हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर हदी हियर। आज का टॉपिक है हमारा सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से ह्यूमन स्केलेटन। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर थोड़ी बहुत जो है कॉम्प्लिकेटिंग ज़्यादा उनके लिए है, क्योंकि इसमें नाम है और नंबर है। लेकिन हम आज इसको आसान बना देते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको दो पार्ट्स में, इस टॉपिक को मैं डिवाइड करूँ दो पार्ट्स में। तो ह्यूमन स्केलेटन आपको पता है कि जिस्म के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं स्केलेटन। इट इज़ अ हार्ड फ्रेमवर्क। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ हार्ड फ्रेमवर्क। अब ये जो ह्यूमन स्केलेटन है, इसके दो पार्ट्स हैं, इसको हमने लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो है वो है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा जो है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या फ़र्क है, क्या क्या है, और तफसील से एक को हम इस लेक्चर में समझा देते हैं। दोनों को पढ़ाएंगे दोनों को, लेकिन एक को तफसील से जाकर हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपेंडिकुलर बताएंगे। जी हाँ, तो आते हैं इनमें फ़र्क क्या है, क्या क्या है। ये जो एक्सियल स्केलेटन है, ये उन हड्डियों को कहते हैं जो इंसान के जिस्म के दरमियान जो एक एक्सिस जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सीधा लाइन, इस लाइन के अलोंग एडजस्ट हों उन तमाम के तमाम बोन्स को। बड़ा आसान मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आप इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपने ब्लू कलर और ब्लैक कलर पर आपने नज़र रखनी है। तो जो ब्लू कलर है उसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? ये जो पूरी की पूरी खोपड़ी है और चेहरा है, यानी ये जो हेड रीजन है ये, और उसके बाद रीढ़ की हड्डी है जो आपके बैक पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम बैक, यहाँ से स्कल से ये खोपड़ी के बाद एक स्ट्रेट हड्डी स्टार्ट होती है और वो आपके लोअर बैक तक पहुँचा हुआ होता है, ये एक हड्डी है। इसी तरह एक और हड्डी भी है जिसको मैंने इस वक्त बोर्ड पर शो नहीं किया हुआ है, वो वर्टिब्रल कॉलम के सामने है। अब आपका ये तो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके सामने यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक एक और हड्डी है जिसका नाम है स्टर्नम, और मैं आपके लिए अब उसको ड्रा करूँगा। तो पहले आप ये देखिए कि खोपड़ी से एक लंबी सी हड्डी वर्टिब्रल कॉलम नीचे की तरफ आ रहा है ब्लू कलर में। अब सामने की तरफ आपको एक और बोन नज़र आएगा, वो इसके बिल्कुल सामने होगा, तो मैं उसको आपके लिए कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। सो अब ये हमारे पास दो बोन हो गए, ठीक है। ये एक बोन सामने की तरफ है और दूसरा पीछे की तरफ है। यूँ समझ लीजिए कि सीने के दरमियान एक हड्डी है, उसका नाम है स्टर्नम, और इसके पीछे फिर क्या है, इसके पीछे फिर वर्टिब्रल कॉलम है जो कि खोपड़ी से स्टार्ट होकर बहुत ज़्यादा नीचे तक गया हुआ होता है, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम काफ़ी लंबा है, पीछे की तरफ है, जबकि वर्टिब्रल कॉलम के सामने जो है वो स्टर्नम की हड्डी है, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पर रिब केज भी मौजूद है, रिब केज, जिसको मैं ब्लैक कलर में ही लिखने की कोशिश करूँगा, और जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं बस कुछ इस तरह का डायग्राम आपके लिए लिख लेता हूँ। ज़्यादा लेक्चर को, डायग्राम को ख़राब नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि डायग्राम जो है वो ख़राब ना रहे, क्योंकि ये हमारे पास अगर 3D होता तो बड़ा अच्छा होता कि हम पूरे के पूरे लेक्चर जो है वो इससे आपको करा देते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये रिब के रीजन में आएगा,
अब आप इस सेंटर में आप देखें, सेंटर में जो भी बोन आपको नजर आ रहा है जस्ट यहां से लेकर यहां तक, ये आपका एक्सियल स्केलेटन है। मैंने फिर कलर चेंज किया हुआ है, कलर चेंज किया हुआ है, रेड को आप देख रहे हैं और ये जो ग्रीन है आप उसको देख सकते हैं। सो जहां इसमें जहां पर आपको रेड नजर आ रहा है और ग्रीन नजर आ रहा है, रेड और ग्रीन नजर आ रही है, नीचे आप जा सकते हैं। यानी आप यूं समझ लीजिए कि अगर मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा और आइडिया क्लियर करा दूं एक्सियल और अपेंडिकुलर में, तो एक खोपड़ी लिख देते हैं और यहां से मेन बॉडी लिख लेता हूं, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर एक्सिस में, तो इसको बोलते हैं एक्सिस में, ये आपका एक्सियल स्केलेटन है। अब एक्सियल स्केलेटन से जाहिर है यहां से हाथ है, ठीक है, यहां से आपके हाथ है और यहां जो है आपके लेग्स हैं, ठीक है, पैर है। तो ये सेंट्रल पार्ट आपका ये हो गया सेंट्रल एक्सिस। आप एक लाइन आप सपोज करके कि एक लाइन है, इस लाइन के साथ साथ जो जो हड्डियां फिक्स हैं वो आपका एक्सियल स्केलेटन आएगा, और वो हड्डियां जो इसके साथ सिर्फ जुड़े हुए हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ वो आपका आ जाएगा अपेंडिकुलर। तो हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं ये आपका एक्सियल स्केलेटन आ गया, यहाँ पर ये आपके, क्योंकि ये आप मेन स्केलेटन से आप हटा सकते हैं, सेंट्रल लाइन से आप इसको हटा सकते हैं, आगे ला सकते हैं, पीछे ला सकते हैं, ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, राइट। इसी तरह से आपके जो टांगे हैं ये भी आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, क्योंकि टांग को भी आप जो है साइड पे कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, इसीलिए ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है। और इसके अलावा एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि आपका जो ब्लू कलर मेन स्केलेटन जो है, मेन स्केलेटन और ये आपके जो हाथ है, इनको एक और हड्डी है जो आपके लेफ्ट हैंड को आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच करता है, और आपके राइट हैंड को, दिस वन इज़ योर राइट हैंड, ठीक है, अगर आप इस तरह पोजीशन पर आ जाए, सो दिस इज़ योर राइट हैंड, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड को भी मेन स्केलेटन के साथ जोड़ देता है। इसी तरह टांगों को भी जो है मेन स्केलेटन के साथ जोड़ देते हैं, ये एक अलग हड्डी है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं गिर्डल्स, गिर्डल्स। तो जो एक्सियल स्केलेटन, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, वो मैंने फेडरल बोर्ड की बुक में जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं ज़्यादा सिंध बोर्ड भी देखता हूँ, बलूचिस्तान बोर्ड भी देखता हूँ, केपीकी बोर्ड भी देखता हूँ, तो जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगे वही को मैं फॉलो करता हूँ। उसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन में उन्होंने ये जो हाथ और पैर की हड्डियाँ हैं और साथ साथ ये जो गिर्डल्स हैं जो इनको मिला रहा है आपके मेन स्केलेटन के साथ, गिर्डल्स को भी उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे लिम्स, इसमें हमारे पास लिम्स आएंगे। लिम्स में कौन कौन से हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब हाथ, लोअर लिम्ब पैर जो है वो आपके अपर लिम्ब, ये आपके लिम्ब आएंगे। और साथ ही साथ इसमें हम लोग और क्या डालेंगे, गिर्डल्स डालेंगे, गिर्डल्स ये है आपके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको खोल खोल के डायग्राम के साथ लेंगे। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, और ये जो रेड आप देख रहे हैं दिस इज योर गिर्डल्स, ये आपका गिर्डल है। मतलब भी मैंने रेड कलर लिखा हुआ है क्योंकि आपका जो हाथ है वो आपके मेन बॉडी के साथ कनेक्ट है, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गिर्डल्स। तो गिर्डल्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बल्कि एक और अच्छे अंदाज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक्सियल स्केलेटन जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है, किस चीज़ के थ्रू, गिर्डल्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। अब एक्सियल स्केलेटन दोबारा मैं उसकी तरफ आता हूँ। एक्सियल स्केलेटन में ये खोपड़ी मौजूद है और उसके बाद ये वर्टेब्रल कॉलम मौजूद है। सो ये है आपका एक्सियल स्केलेटन, जिसमें पहले नंबर पर क्या है, स्कल है, जिसको हम हेड बोन्स भी कहते हैं, स्कल। और मैं आपको स्कल बता दूंगा, तमाम की तमाम हड्डियों के नाम बताऊंगा, कितने हड्डियाँ हैं, कितने पेड़ है, कितने अनपेड है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है, और तीसरे नंबर पर क्या है, रिब केज है।
तो ये तीन जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। अब मैं एक एक को करके डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा। स्कल ये पूरा का पूरा हेड रीजन जिसमें खोपड़ी और चेहरा शामिल है, चेहरा और खोपड़ी जिसमें शामिल है, ये पूरा बना के क्या बनाएगा? स्कल बनाएगा, वो हेड बोन बनाएंगे। अब स्कल के अंदर जो है वो आपको दो मेन पार्ट्स नजर आएंगे, दो मेन पार्ट्स। एक का नाम है क्रेनियल बोन, यानी ये जो खोपड़ी की हड्डी है, ये वाला ये, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? फेशियल बोन, चेहरे की हड्डियाँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चेहरे की हड्डी भी इसमें आपको नज़र आएंगे और स्कल भी नज़र आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये स्कल है। दो और भी इसमें पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स और भी हैं, लेकिन वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, मैंने नीचे लिखा हुआ है। वो क्या है? ऑसिकल्स, कान के अंदर जो है तीन पेयर्स हैं, थ्री पेयर्स जो है कान के अंदर छोटी छोटी हड्डियां हैं, उसके तीन जोड़े हैं। एक का नाम है, मैं उसको मिस से लिखता हूँ, MIS, मिस। तो M से मैलियस, EUS, मैलियस। I से इनकस, INCUS, इनकस। और एस से STAPES, स्टेपस। मैलियस, इनकस, स्टेपस, ये तीन हड्डियों के नाम है जो आपके कान के अंदर होते हैं। तो तीन इस कान के अंदर है, तीन इस कान के अंदर, टोटल हो गए सिक्स, थ्री पेयर्स में आ गए। और एक हड्डी है हायोइड बोन जो आपके जबान के साथ उसके बेस में उसके साथ अटैच है। और ये स्वेलविंग, जब आप खाना खा रहे थे तो स्वेलविंग में चूंकि जबान का भी किरदार है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है इस हड्डी का। और ये कमाल की हड्डी हायोइड बोन, ये वो तन्हा बॉडी बोन है पूरे जिस्म में। आप देखिए जिस्म में एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ अटैच है, एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ अटैच है, एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ अटैच है। हर बोन दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट हुआ है, अटैच हुआ है। ये वो वाहिद बोन है, हायोइड बोन। आप इसको एक लाइन में क्वेश्चन, इट इज द ओनली बोन विच इज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। और ये कहां पर है? इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द टंग, जबान के बेस में अटैच है, इज इन्वॉल्व इन स्वेलविंग। जाहिर है इसके साथ मसल्स अटैच है और वो मसल फिर स्वेलविंग में मदद देते हैं, ठीक है। तो ये हायोइड बोन हो गया। अब देखो स्कल के अंदर ये चार पार्ट्स आ गए। पार्ट नंबर वन ये हो गया क्रेनियल बोन, पार्ट नंबर दो, बल्कि ए बी सी कर देता हूँ, ए बी ऑसिकल्स, सी हायोइड, डी। तो ये चार पार्ट जो हैं वो स्कल बनाएंगे। अब देखिए इसके अंदर और कितने कितने बोन्स हैं, आपने उसका नाम याद रखना है, ठीक है। क्रेनियल बोन की तरफ आते हैं, क्रेनियल बोन में आठ हड्डियां हैं, देर आर एट बोन। इसमें से पेयर जो है, मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ, जिस पे स्टार लगा हुआ है, ये जोड़े की शुरुआत में है, ठीक है। ये दो पैराइटल जिसका आप नाम देख सकते हैं, पैराइटल और टेम्पोरल क्या है ये मैं बताता हूँ। अब देखिए आप कान पकड़ ले, ठीक है, कान के साथ बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आप उंगली रख दें, दिस इज योर टेम्पोरल बोन, दिस इज योर टेम्पोरल बोन, ठीक है। अब इस टेम्पोरल बोन को देखिए, राइट साइड भी है उसका, लेफ्ट साइड भी है, इनके बीच जोड़ है, तो ये जोड़े की सूरत में है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह आप अपनी इस उंगली को थोड़ा सा ऊपर रखकर, यहाँ पर रखकर या यहाँ पर आप रख लें, ठीक है। सो ये जो उंगली आप रख रहे हैं, ये आप दूसरे बोन के ऊपर आप उंगली रख रहे हैं जिसका नाम है पैरेटल बोन, उसका भी राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। सो पैरिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ये जोड़े की सूरत में है, यानी ये दो दो में है आपको नजर आएंगे, ठीक है। पैरिटल बोन कितने हैं? दो हैं। टेम्पोरल बोन कितने हैं? दो हैं, ये पेयर्स की सूरत में है। बाकी जो चार और हड्डियां हैं वो जोड़े की सूरत में नहीं, वो सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल है, आपने उसका नाम याद रखना है। वो है फ्रंटल, FOES, FOES, फोज, एफ
ओ ई एस फोज, दुश्मन को फोज बोलते हैं। तो एफ ओ ई एस फोज, इससे एक एक हड्डी का नाम मैंने बनाया हुआ, एफ आर ओ एन टी ए एल, फ्रंटल बोन कहाँ पर है, ऑक सी पिटल बोन, इथा इथामॉइड बोन एंड स्फिनॉइड, ये कुछ नाम है। शुरू में मुश्किल लगता है, बाद में आसान हो जाता है। फ्रंटल बोन देखें, ये आपका माथा है, ठीक है, बिल्कुल यहां पर आप हाथ रख ले, ये आपका फ्रंटल बोन है, एक है, यहां पर आप हाथ रख ले, दिस इज योर ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, साइड तो हो गए, ऑक्सीपिटल बोन ये हो गया फ्रंटल ऑक्सीपिटल। इथामाइड, इथामाइड इसको मैं क्या कर देता हूँ, उसके ऊपर मैं ये एक अलग सा स्टार लगाऊंगा, स्टार ये कि आपके चेहरे में आपको मैं उसको उंगली से टच नहीं कर सकता बिकॉज ये अंदर की तरफ है, तो आंख के अंदर ये जो आई का रीजन है इसके अंदर आपको नजर आएगा, इसीलिए अब जस्ट उंगली यहाँ पर रख ले, अंदाजा हो जाए कि दिस इज इथामाइड बोन। एंड देन स्फिनॉइड बोन, बिल्कुल इसे आप टच कर सकते हैं, ये आप अपनी उंगली यहाँ पे रख दे, ओ बंदा बस ज़्यादा सोचता है ना आशिकाना ऐसे, या कुछ लोग ऐसे ही फिलोसफी वो फलकियात में ऐसे, या ओम फिलोसफर ऐसे, सो दिस रीजन इज द स्फिनॉइड बोन, ठीक है, सो दिस स्फिनॉइड बोन, और ये एक एक है। अब देखिए तो राइट लेफ्ट, नो 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 नो, इसका राइट लेफ्ट जरूर आपको नजर, लेकिन ये हड्डी इस हड्डी के साथ इस तरह से मिला हुआ है कि बीच में कोई जोड़ है ही नहीं, स्टिल सिंगल बोन, एक ही बोन है उसका, ये राइट पार्ट उसका लेफ्ट पार्ट, बीच में जोड़ नहीं है, बीच में ज्वाइंट नहीं है, इसीलिए स्टिल सिंगल। बहुत सारे जरूर समझते हैं यार राइट लेफ्ट क्यों नहीं है, तो इसीलिए अच्छा ये हो गया स्फिनॉइड। अब कितने हो गए टोटल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आठ बोन आ गए, क्रेनियम में आठ हड्डियां हैं, ये आपने देख ली, क्रेनियम के अंदर एट बोन्स हैं। फेशियल बोन आप देखें टोटल कितने हैं बाद में देखते हैं, इसमें हमारे पास लैक्रिमल बोन है, पहला लैक्रिमल, लैक्रिमल, लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल आंख के अंदर है, ठीक है, तो कीप इन माइंड आई के अंदर है लैक्रिमल बोन। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बोन, ये बड़ा आसान है, दिस वन, यहां उंगली रख दे, वो जो फीमेल अक्सर इस पर शेड करते हैं, आजकल तो मेरे ख्याल में नहीं करोगे, पहले बहुत ज्यादा करते थे, दिस वन इज द जाइगोमेटिक बोन, और बॉक्सर लोग जब बॉक्सिंग करते हैं तो अक्सर उनकी ये जगह जो है सूज जाता है, राइट, दिस इज जाइगोमेटिक बोन। इसके दो पेयर्स होते हैं, तो जो पेयर्स होते हैं उस पर मैं स्टार लगा लेता हूँ, तो ये भी जोड़े की सूरत में है लैक्रिमल बोन, ये भी जोड़े की सूरत में है। अब नेजल बोन जो है, नेजल बोन, नेजल, ये एक हड्डी नहीं है, ये इसका ये राइट पार्ट है और ये उसका लेफ्ट पार्ट है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट, बीच में जोड़ है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट, नोज है, एक हड्डी नहीं है, दो हड्डियाँ हैं, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट वी कॉल इट नेजल बोन, नेजल बोन। एंड देन इन्फीरियर कैन कॉन्चा, इन्फीरियर, इन्फीरियर नेजल कॉन्चा, नेजल इन्फीरियर नेजल कॉन्चा, ठीक है, ये एक ऐसी हड्डी है जिस पर मैं रेड कलर का स्टार लगा लेता हूँ, उसकी वजह यह है कि ये नाक के अंदर की तरफ है, इसको मैं टच नहीं कर सकता, नाक को काट के अंदर नजर आएगा, सो आपको अंदाजा हो गया होगा, इन्फीरियर नेजल कॉन्चा, ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं नेजल बोन के ऊपर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जोड़े की सूरत में है, ये भी जोड़े की सूरत में है। अब ये बाकी जो है ये सारे सिंगल है, ये सारे के सारे सिंगल है। मैग्जिला, मैग्जिला यहाँ पर है, अच्छा ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं, मैंने कहा शेड बोन से फीमेल जो है वो शेड करते हैं, ये है आपका जाइगोमेटिक बोन, दिस इज योर जाइगोमेटिक बोन, और ये दांत है, ठीक है, दांत है। जाइगोमेटिक बोन और दांत के दरमियान जो आपको इलाका नजर आ रहा है, ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, दिस रीजन, ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, ये इलाका जो है, ये कौन सा बोन है, ये है मैग्जिला, ये क्या है, मैग्जिला, मैग
मैगजिला। अब आप उसको कैसे टच करेंगे? दांत को तो आप टच कर सकते हैं, छिक है उसके दांत। और ये कौन सा है? ये जाइगोमेटिक। इनके बीच, जाइगोमेटिक के और दांत के बीच ओरिजिन आपको नजर आएगा, इधर नहीं, नीचे आ जाओ। दिस वन, मेरा शक्ल भी अजीब सा और होगा, आप देख रहे होंगे। तो ये वाला जो रीजन है, दिस इज द मैगजिला बोन, मैगजिला। इसके भी ये राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है, बीच में ज्वाइंट है, ठीक है। अच्छा जनाब, मैगजिला हो गया, पैलाटीन, इसको तालू का बोन कहेंगे। ये आप अपने मुंह के अंदर उंगली रख के ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पैलाटीन आएगी, इसीलिए मैं वहां पर भी आपको नहीं ले जा सकता, पैलाटीन बोन है। अब मैंडिबल क्या है? ये वाला जो ये मैंडिबल है, दिस वन इज मैंडिबल, ये वाला एम ए एन डी आई बी एल, ये आपका मैंडिबल है जो मूव कर, मैं बोलूं तो ये मूव करा, मैंडिबल। सो जस्ट वन बोन, तो मैगजिला, अच्छा सॉरी, मैगजिला का सिंगल पार्ट है, ठीक है, ये मतलब बीच में, मैगजिला सिंगल है, सॉरी दिस इज सिंगल बोन। मैंडिबल भी क्या है? पैलेटिन भी सिंगल है, मैंडिबल भी सिंगल है, और वोमर जो है तालू का बोन, ये भी सिंगल है। अच्छा, वोमर और जो पैलेटिन है, इसको देखने के लिए आपको मुंह के अंदर जो उसका ऊपर जो फ्लोर है उधर आपको जाना होगा, तो ये दो हड्डियां आपको वहां पर नजर आएगी, इसीलिए उसको टच नहीं कर सकते, तो आपको मुंह के अंदर है, ठीक है, वोमर है, पैलेटिन बोन। तो ये चार जो है ये सिंगल सिंगल है, और ये चार जो जोड़ी की सूरत में, जो काउंट करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये हो गए कितने, 14 बोन्स आ गए, ठीक है। फेस में कितने आ गए? 14 बोन्स। यस, वाई इसमें मुझे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन को मैं थोड़ा सा आपके लिए दूर कर लेता हूँ कि ये 6 पेयर्ड बोन्स हैं, राइट, सॉरी, सो दीज आर 6 पेयर्ड बोन्स, फाइन, इट्स वन मिस्टेक, वन मैगजिला, ये इसके भी जोड़े हैं, और पैलाटीन के भी जोड़े हैं, मैंडिबल और वोमर ये अकेला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, तो फेशियल में टोटल कितने बोन्स है? 14 बोन्स, वरना हिसाब गलत आ जाता, ठीक है। ये लैक्रिमल जोड़ा है, मैगजिला जोड़ा है बिल्कुल, ये वन लेफ्ट साइड राइट साइड, पैलाटीन का भी जोड़ा है, लेकिन मैंडिबल और वोमर जो है ये सिंगल है, ठीक है। जस्ट एक और चीज़ मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पर कन्फर्म कर दूँ, मैंडिबल एंड वूमर ये दो जो है ये हमारे पास सिंगल है, ठीक है। सो ये कन्फ्यूजन मैंने अभी ख़त्म कर दी, ठीक है। अब ये 14 बोन्स आपके कहाँ पर आ गए? फेस के अंदर आ गए। अब हम लोग आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ आ जाते हैं। ये सारा का सारा हो गया, चेहरे के बोन हो गए। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 5 रीजन्स है, 5 इलाके हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम है। लोग समझते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम एक सीधा रॉड है, जो कि सीधा रॉड बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड पर समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हम लोग बेशक उसको स्ट्रेट रॉड लिखते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट रॉड नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रॉड नहीं है। तो समझाने के लिए अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें आपको 5 रीजन नज़र आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 रीजन्स हैं। अब आपने इसका नाम याद रखना है, ये इस तरह से कर्व है वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे लाइक दिस, राइट, ऐसे। इस रीजन को बोलते हैं सर्वाइकल रीजन, वहाँ पर मैं लिखता हूँ सी से, मैंने लिखा हुआ है सर्वाइकल रीजन, सी ई आर वी आई सी एल, सर्वाइकल रीजन। ये इलाका जो है ये सर्वाइकल रीजन है। सर्वाइकल रीजन में 7 हड्डियाँ हैं, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, तो ये 7 हड्डियाँ हैं सर्वाइकल। इसमें पहली हड्डी और दूसरी हड्डी थोड़ी सी स्पेशल है। पहले का नाम है एटलास, दूसरे का नाम है एक्सिस।
ये दरअसल कोपड़ी के साथ आर्टिकुलेशन में मदद देते हैं। कोपड़ी जब आप मूव कर लेते हैं तो वहाँ पर ये इनका किरदार है मूवमेंट में। इसी इनका अपना नाम है एटलास एंड एक्सिस, ये पहला और दूसरा हड्डी, ठीक है। सात हड्डियाँ इधर हो गई, तो मैं सर्वाइकल के सामने क्या लिख लेता हूँ, सेवन बोन्स। उसके बाद एक बड़ा सा रीजन है, दिस इज कॉल्ड थोरेसिक रीजन। थोरेसिक में जो है 12 हड्डियाँ हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. सो ये आपका थोरेसिक बोन है, ये आपका थोरेसिक रीजन हो गया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में हमारे पास कितनी हड्डियाँ आ गई, 12 आ गई। उसके बाद लंबर है, ये लंबर L1, इसको क्या बोलेंगे, L1, लंबर L1, L2, L3, L4, L5। तो ये अच्छा, ये सबसे मतलब बड़े बोन्स होते हैं जो लंबर रीजन है, रीढ़ की हड्डी के बहुत बड़े बोन होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस को बर्दाश्त करते हैं और ये बिल्कुल नीचे यहाँ पर आएगा जहाँ पर आप कर्व लेते हैं। अक्सर लोगों की इंजरी भी यहाँ पर होती है, L1, L2, L3, L4, L5 मोस्टली आप यहाँ पर L4, L5 अच्छा, उसके बाद कौन सा रीजन है, तो ये लंबर मैंने लिख दिया, लंबर LUMBER, लंबर। लंबर के बाद क्या है, सैक्रम है। सैक्रम में फिर हमारे पास क्या है, 5 फ्यूज्ड बोन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये फ्यूज बोन है, 1, 2, 3, 4, 5। ये पांच बोन जो हमारे पास यहाँ पर है, इसको बोलते हैं सैक्रम। तो ये आ गया हमारे पास सैक्रम। सैक्रम, सैक्रम में क्या है, 5 फ्यूज्ड बोन। ये फ्यूज्ड है, लंबर में भी 5 है लेकिन वो फ्यूज नहीं है। फिर क्या है, कॉसिक्स है। ये वाला जो दुम है, इसको बोलते हैं दुम, छोटा पीछे की तरफ इस तरह से जो है अपने आप को उसने बेंड किया हुआ, इसमें आपको जो है 4 हड्डियाँ नजर आएंगी और उसको बोलते हैं कोसिक्स, 4 बोन्स। सो दिस इज कॉल्ड कोसिक्स। इसमें क्या है, 4 फ्यूज्ड बोन्स हैं। अगर आप इन सब को जमा करेंगे, इन सब को अगर प्लस करेंगे तो इससे बनेंगे 33 बोन्स। इंसान के पूरे जिस्म में 206 बोन्स होते हैं, 206 होते हैं। तो ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर 33 बोन्स आ गए। एक और बात भी याद रखें कि ये आपका हिप रीजन का जो बोन है, पेल्विक बोन इसको बोलते हैं। पेल्विक, अगर आप समझे कि पेल्विक बोन कौन सा है, तो ये जो सैक्रम और कोसिक्स हैं, ये जो दो हैं इसको बोलते हैं पेल्विक। पूरा जो पेल्विक है, डॉक्टर बोलते हैं पेल्विक दरअसल सैक्रम और कोसिक्स को बोलते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पे, रिब केज पर आ जाते हैं। दिस इज आवर रिब केज। रिब केज ये हुआ, ठीक है। अब रिब केज भी इसके अंदर कितने बोन्स है, कैसे डायग्राम हम उसको लिखेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। रिब केज के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा डायग्राम लिख देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, और फिर उसको आगे लेके ये यहाँ पर उसको थोड़ा सा यूं ऐसा निशान आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह के निशान आप देंगे, ठीक है। अब ये आपका स्टर्नम है, जैसे मैंने कहा था सीने के अंदर हड्डी जो है उसका नाम है स्टर्नम। सो दिस इज योर स्टर्नम, ये बिल्कुल सीने के बीच में हड्डी है। इसके पीछे क्या है, लेट सपोज अगर ये स्टर्नम है तो इसके पीछे क्या होगा, वर्टेब्रल कॉलम। तो स्टर्नम के पीछे वर्टेब्रल कॉलम, आपको बोर्ड पर सिर्फ स्टर्नम नजर आ रहा है। हमारा जो रिब केज है, रिब केज में पिंजरा सा बना हुआ है और हड्डियों का वो ऐसे है कि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से एक रिब, एक पसली यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे की तरफ आकर यहाँ पर स्टर्नम के साथ जुड़ जाती है। फिर क्या होगा, इसी वर्टिब्रल कॉलम के दूसरे साइड से एक और रिब यहाँ पर आकर फिर से स्टर्नम के साथ अटैच, ये एक जोड़ा हो जाएगा। सो एक जोड़ा, एक रिब राइट साइड से आकर अटैच होगा, लेफ्ट साइड से आकर अटैच होगा, एक जोड़ा। इसी तरह चलते चलते एक पिंजरा सा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि वो डायग्राम ज़रा बनाने की कोशिश करूंगा। ये ऐसा करेंगे कि हम
ऐसा डायग्राम लिख लेते हैं इस तरफ से और इस तरफ से, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम ऐसे डायग्राम लिखेंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आइडिया क्लियर हो। सही है, ये आ जाएगा। अब ये आपके रिब केज की हड्डियां हैं जो कि सामने से स्टर्म के साथ अटैच है, पीछे जाकर वो टिबियल कॉलम के साथ अटैच है। और ये कितने पेयर हैं? दे आर 12 पेयर, इसमें 12 जोड़े हैं, 12 जोड़े हैं। 12 में से 7 पेयर जो हैं, 7 पेयर्स वो ट्रू रिब्स हैं। वो क्यों ट्रू रिब्स हैं? क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी के साथ उठ के वहाँ से आके स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं, डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। सो जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये आ गया 4 पेयर, ये आ गया 6th पेयर, ये आ गया 6th पेयर, ये आ गया 7th पेयर, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 जोड़े आपके स्टर्नम के साथ डायरेक्ट अटैच है। 8वां जोड़ा जरा देखा, 8वां, 9वां, 10वां, 8, 9, 10 उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए आप एक डायग्राम बना दें, ऐसा डायग्राम आप बना दें। उसको 3 शाखें दे दो, 1, 2, 3 और ऐसे डायग्राम आप बना दें, उसको 3 शाखें दे, 1, 2, 3 अब क्या होगा? इसको बोलते हैं कॉमन कोस्टल कार्टिलेज। ये जो रेड आप देख रहे हैं, एक किस्म का कार्टिलेज है। कार्टिलेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कॉमन कोस्टल कार्टिलेज। एक और बात भी याद रखिएगा, हो सकता है जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये लेक्चर, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो मेरा जो कैमरा है वो लेक्चर को बीच बीच में उसको कट कर देते हैं, तो हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये कट हो चुका हो, उसको इसके फिर 2 हिस्से आएंगे, यानी पूरा लेक्चर फिर 3 हिस्से। मैं दुआ करता हूँ कि पूरा लेक्चर जो है वो वीडियो में आया हुआ हूँ, ताकि इसके 2 हिस्से नहीं बने। फिर भी आप देख लें, अगर पहला हिस्सा एकदम से कहीं पर कट जाए, ख़त्म हो जाए, ये कितना क्यों ख़त्म हुआ, तो आप इसका दूसरा हिस्सा भी फिर देख सकते हैं, फिर तीसरा हिस्सा। तो कॉमन कोस्टल कार्टिलेज है ये आपका, इस कॉमन कोस्टल कार्टिलेज के साथ फिर रिब अटैच होंगे, ठीक है। ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो आपका 8वां जोड़ा है, 9वां जोड़ा और 10वां, 8, 9, 10 ये जो 8वां, 9वां, 10वां है ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, वो किस चीज़ के थ्रू अटैच है? कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू अटैच है। तो इसको बोलते हैं 8वां, 9वां, 10वां जो है, 8वां, 9वां, 10वां जो है ये इसको फॉल्स रिब कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। फिर फ्री फ्लोटिंग रिब्स हैं। फ्री फ्लोटिंग रिब क्या है? 11वां जोड़ा और 12वां जोड़ा जो है ये फ्री फ्लोट करते हैं। फ्री फ्लोट का मतलब क्या है? कि वो स्टर्नम के साथ ना तो डायरेक्टली अटैच है, ना कॉमन कार्टिलेज के साथ अटैच है, वो बिल्कुल अटैच ही नहीं है। वो क्या है कि दिस इज ये रीढ़ की हड्डी, इसके सामने क्या है? इसके सामने जो है स्टर्नम है। तो यहाँ 11वां जोड़ा रीढ़ की हड्डी से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन वहाँ जाकर अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ। 12वां जोड़ा रीढ़ की हड्डी से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन आगे जाकर अटैच नहीं है, फ्री फ्लोट करता है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग रिब्स। 11वां और 12वां जो जोड़ा है उसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग रिब्स। अब ये पूरा का पूरा लेक्चर हो गया। एक कन्फ्यूजन जो स्टार्ट में मुझसे थोड़ी सी हुई थी वो मैंने दोबारा क्लियर करी आप लोगों के लिए, कि जो फेस के अंदर 14 हड्डियां हैं उसमें ये जोड़े की सूरत में है, मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला इसका राइट लेफ्ट, पैलाटीन इसका राइट लेफ्ट ऊपर की तरफ है, मैंडिबल और वोमर जो है ये सिंगल बोन है, मैंडिबल और वोमर सिंगल बोन होते हैं। ये सारे बोन के तादाद, नाम, डायग्राम सब कुछ आपके सामने है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्ब्स और ग्रिडल्स को क्लियर करके इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। तो वीडियो मैं पॉज करने जा रहा हूँ, अगर उसमें फ़ॉन्ट साइज छोटे हैं तो छोटे फ़ॉन्ट साइज है, मैं अभी जाकर कैमरे को जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ लेक्चर के आखिर में एक चीज़ का याद रखिएगा कि इस ढांचे से देकर एक तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, बोन के नाम याद रखें। दूसरी आपने ये भी देखना है कि हर इंसान ने जब मरना हो, मरने के बाद उसकी शक्ल इस तरह हो जाती है,
तो आपका गरूर, आपका जितना भी आपने गरूर किया हुआ था, ख़ासकर गरूर जो लोग करते हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ कि आपका लास्ट स्टेज ऐसा ही हो जाएगा। इसीलिए ज़मीन पर फिरते फिरते आराम से कदम रखा करो, आराम से आजिज़ी के साथ, ठीक है, सीना बाहर निकाल के। कुछ ऐसा काम नहीं करना कि गरूर आपके अंदर आ जाए, ठीक है। हो सकता है बॉडी बिल्डर हो तो सीना बाहर निकला हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर गरूर का तकबर आपको महसूस ना हो, ठीक है। तो मैं जूम कर लेता हूँ, फिर आपके साथ जो है इजाज़त लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, ये आ जाएगा, सही। ये अच्छा जनाब, यहाँ से इसको और भी जूम कर लेता हूँ आपके लिए। एक एक का नाम आप देख सकते हैं, सही। ये आपका ह्यूमन स्केलेटन डायग्राम, इसी डायग्राम के साथ, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि इसी डायग्राम में मैंने आपको जो है दूसरा स्केलेटन भी मैंने आपको समझाना है, और वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपको डरना भी नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े ख़तरनाक किस्म के फिगर्स बनाए हुए हैं। सो मेडिकल डॉक्टर्स हज़रात ख़ासकर उसको शौक़ से देखेंगे। तो यहाँ तक हो गया, तो हम याद रखेगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।